हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो लोग दुबई में कंपनी बदलना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ, ताकि आप लोग को गलती करने से बचा सकूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई जो नए आते हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, उनकी स्टार्टिंग में कंपनियां सैलरी कम लगाती है और फिर हमें दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिलता है, सैलरी ज़्यादा मिलता है, या फिर जो काम में हम लोग यहाँ पे आते हैं उस काम में हम लोग को वो काम नहीं मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरी कंपनी चेंज कर लें। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं मानता हूँ दोस्तों कि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। तो वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल रह जाएगा, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो मैं जैसा बताया दोस्तों कि कम से कम 50 से 60 हज़ार वर्कर भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ का कंडीशन देखता हूँ, यहाँ का सिचुएशन देखता हूँ, वही जस्ट अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते रहता हूँ दोस्तों। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो दोस्तों, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ऑलरेडी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे सिस्टम आपको शायद उतना अच्छा ना मिले, बट दोस्तों दूसरे कंपनी में जिसमें आप जाना चाहते हो वहाँ की अच्छी जानकारी लेते नहीं लेते हैं, और आनंद फानंद में दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग जॉब चेंज कर लेते हैं। जब वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो कंपनी इससे भी बेकार है, फिर हम लोग ना घर का रहते हैं ना घाट का रहते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, यूएई के अंदर जॉब चेंज करने वाले हो, तो सबसे पहले जिस कंपनी में आपको ऑफर लेटर मिला है नया वाला कंपनी में, वहाँ के वर्करों से जाकर दोस्तों थोड़ा पैसे खर्च हो, नो प्रॉब्लम, एक दिन आप लीव करो, बट दोस्तों ये आपका जीवन का सवाल है, आपको 2 साल एग्रीमेंट में बिताना पड़ेगा। तो वहाँ के वर्करों से जानकारी ले लो कि आपको टाइम पर सैलरी मिल रही है कि नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर टिकट का पैसा देती है कि नहीं, क्योंकि ऑफर लेटर में बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज बात लिख देता है, बट रियल में वहाँ पे ऑनर किस तरह से है, क्या काम में ज़्यादा मगजमारी है, काम में ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ये सब दोस्तों अपने तरीके से उस कंपनी के वर्कर से पूछना, दूसरे लोगों से नहीं पूछना, वर्कर से पूछोगे तभी आपको पता चलेगा। और वर्कर को ये भी ना बोलना कि मैं इस कंपनी में आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा वर्कर नेगेटिव भी होता है, ये रियल है, बोलता है कि नहीं भाई आप इसमें मत आओ, ये कंपनी बहुत ये है, ख़राब है, ऐसा है वैसा है, तो ये नहीं बोलना, बस बोलना कि मेरा भाई या मेरा दोस्त इसमें आने वाला है, थोड़ा इसका आप जानकारी दे दो कि ये कंपनी कैसी है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस तरह के चीज़ में फंसे हुए हैं, पहले वाले कंपनी में अच्छा था और दूसरे में गया तो दोस्तों उससे भी बुरा हो गया, मतलब इससे भी बुरा हो गया, बाद में वो लोग बहुत पछता रहा है, इसलिए ये मैं अपडेट दिया कि ताकि आप लोग को इससे कुछ सीख मिले। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप जाओ दोस्तों, वहाँ की जानकारी वहाँ के वर्कर से मिल सकती है, दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ वर्कर ही बताएंगे। तो सारा चीज़ सोच के विचार करके फिर आप कंपनी चेंज करना, नहीं तो दोस्तों आप मुश्किल में पड़ सकते हो। और कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं जैसे बोला आप कमेंट करो, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।